आज के वीडियो में थाईलैंड चले क्या? अरे फ्लाइट लेके नहीं, मतलब मेटा चेक कर रहे हैं, उनके फ्री फायर प्रो लीग भी तो चल रहा है सीजन 6। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्री फायर प्रो लीग थाईलैंड के सीजन 6 में दो एपिक हुए फाइट जो कि डे 3 में हुआ था, उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, आप लोगों के सामने उनके मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स को थोड़ा रिवील करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत ज्यादा बात आ चुकी है, सब्सक्राइब करो, फटाफट पहले कर दो, लाइक नहीं किया तो पहले जाके जल्दी वीडियो को लाइक कर दो। वक्त करते शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। तो फ्री फायर प्रो लीग थाईलैंड के सीजन 6 के दौरान कालाहारी के टाइम पे दो एपिक फाइट्स हुए। पहला आप खुद देख लीजिए, लाइक नो डाउट कि लोग क्यों बोलते हैं कि यार ये थाईलैंड के प्लेयर्स क्या खा के आते हैं, मतलब खुद देखा, बहुत जल्दी हो गया ना, एक काम करते हैं फिर से रिवाइंड करके दिखाता हूं आप लोगों को सीन। देखो लाइक मैं लिटरली अमेज था जब मैंने ये चीज देखी, ये चल क्या रहा है, लॉन्च पैड से बंदा जा रहा है, माई गॉड, लाइक लाइक ऐसे शॉट्स जब कनेक्ट हो जाते हैं ना। हाँ आप कह सकते हो कि 50% लक होता है, 50% आपका एम होता है, एक्यूरेसी होता है, यार कर भी तो रहे हैं, और एक बार नहीं दूसरा गमेलो को भी टिक डाउन किया है। मतलब ये डेल्टा एक्स की टीम है, इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया ये रेंज ऑफ मोशन में, और ऊपर से एक्स एमेट लेके, मतलब वो पुराने एक्स एमेट के दिन याद आ गया जब ये लॉन्ग रेंज में ऐसे शॉट कनेक्ट हुआ करते थे। लाइक Truly amazing shot coming out from Delta X के Enzo XD। अब आते हैं ठीक उसी मैप के दूसरे एक और epic fight में, क्योंकि ये fight हो रहा था AAA versus EVOS Phoenix। अब सब लोगों को पता है कि EVOS Phoenix अभी के टाइम पे टॉप पे चल रहे हैं वहां पे थाईलैंड के फ्री फायर प्रो लीग के सीजन 6 में, एंड AAA की टीम भी ज्यादा पीछे नहीं है, वो भी पीछे पीछे काफी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एंड क्यों मैंने ये फाइट को चुना, क्योंकि यहाँ पे मुझे पून गॉड दिखे, एंड पून गॉड को आप लोग बहुत लोग जानते हो, क्रूज को आप लोग बहुत लोग जानते हो, एंड इनका गेम प्ले देखिए, एंड आप लोग बोलते हैं ना कि क्या गन गेम मैटर करता है या फिर कोऑर्डिनेशन, एंड मैं हमेशा कहता हूँ कोऑर्डिनेशन। अब मैं यहाँ पे प्ले करूंगा, ये जो पर्सपेक्टिव है ये आपका EVOS का पर्सपेक्टिव है, दिस इज AAA का पर्सपेक्टिव, एंड ये एक आप कह सकते हो कि ओवरऑल एक ओवरव्यू पर्सपेक्टिव जिससे आप लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पास ऑन किए जा रहे हैं। कूडोस टू देम कि उन्होंने इतने सारे इन्फॉर्मेशन उस फाइट के टाइम पे दिखा दिया। अब आप एक पोजीशनिंग चेक करिए, ठीक है, यहां पे जो है नोकिल को टेक डाउन ऑलरेडी किया हुआ है, मोशी भी डाउन है, तो ये काफी जरूरी होता है, ये चीज हम लोगों ने इंडिया में भी देखा है काफी बार, हमारे टीम्स भी करते हैं, एंड वहां पे भी ये चीज होता है कि आप कभी भी अगर आप फाइट लेने जा रहे हो 4v4 हेड ऑन हेड फाइट में हो, तो अगर आपका एक प्लेयर डाउन है तो आपका भी इंपॉर्टेंस जरूरी होता है कि आप भी सामने वाले का एक प्लेयर डाउन करो, वरना आप एक नंबर डिसएडवांटेज में आ जाते हो, सामने वाले को खुद ही छूट मिल जाती है, वो आपको प्रश करेगा। बट यहाँ पे नॉक हुए हैं फिर भी फर्क नहीं पड़ता, वोसांग का पोजीशन देख लिए, वो एक फ्लैंक एंगल पे, ठीक है, तो मैं ये मार्कर अभी हटाऊंगा नहीं, मैंने प्ले किया। अब सिचुएशन देखिए, पून गॉड कैसे गाड़ी लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनका एक प्लेयर नॉक आउट है, खत्म कर दिया गया है, एंड राइट हैंड साइड से वोसांग को देखिए, मार्कर मैंने हटाया ना, वोसांग को देखिए, वोसांग क्या करते हैं वहां से, वो कंटिन्यूसली शॉट ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्रूज या फिर गेडबू या फिर उनकी टीम में रिटर्न कोई भी डिफरेंट एंगल नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि एक फाइट में अगर आप सबसे ज्यादा मैप का कंट्रोल ले लेते हो या फिर वो एंगल सारे कवर्ड रखते हो, तो आप चाहे एक प्लेयर डाउन हो जाए या फिर दो प्लेयर डाउन हो जाए, फिर भी यू नो सिचुएशन में एडवांटेज कर सकते हो, बट दो प्लेयर डाउन हो जाए बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तीन प्लेयर इज अ वे जहां पे आप एडवांटेज कर सकते हो। बट अब यहाँ पे इस सिचुएशन में देखिए, ठीक है, क्लोज रेंज में पून गॉड का देखिए, आप यहाँ पे टॉप टॉप से फोकस ये वाले स्क्रीन पे लेके आइए, एक्जैक्टली ये वाले स्क्रीन पे, एंड पून गॉड का मूवमेंट देखना, ठीक है, एंड क्रूज कभी भी आप ये मत सोचना कि क्रूज एंड ये लोग ये सारे प्लेयर्स यू नो ऐसे वैसे खेलते हैं, आप सब लोगों को पता है ये लोगों के नाम से यू नो काफी लॉबी हिल जाते हैं। अब ये सिचुएशन देखिए पून गॉड को, ठीक है, क्रोनो का शील्ड इमीडिएटली पुट अप किया, ग्लू वॉल डाल रहा, कितने ये जो क्विक मूवमेंट होता है ना, दिस इज व्हाट इज नीडेड जब आप ऐसे लेवल पे खेलते हो, राइट हैंड साइड से कोऑर्डिनेटेड, देखा ये सिचुएशन देखो, ये इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन, ये बंदा यहाँ पे ग्लू वॉल डाल के उसको पता है कि मेरे हाथ में जब तक गन आएगा ये प्लेयर निकल चुका है, ये प्लेयर निकल चुका है, ये प्लेयर बड़े आसानी से इसको डाउन कर सकता है, बट इमीडिएट ट्रेड आउट जिसे हम कहते हैं, मैं प्ले करूंगा आपको दिखेगा, ठीक है, इमीडिएट नॉकआउट, केरो का लॉन्चर शॉट आ गया उसने नॉक कर दिया, ये प्लेयर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए क्रोनो का शील्ड भी एक्टिव कर ले ताकि ये भी ना नॉक हो जाए, यहाँ पे इसने पून गॉड को भी बचा दिया है, वोसांग अभी भी जिंदा है ऊपर की तरफ, वोसांग स्टिल अलाइव, चार्ज बस्टर, आई थिंक इस वेपनरी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड अकेला गेटबू यहाँ पे बचा रहता है, पून गॉड अभी रुकने नहीं वाला, उसको पता है कि अकेला लौता प्लेयर बचा है, हमको घुसना है, हमको खत्म करना है, एंड चार्ज बस्टर का एक जाके शॉट कनेक्ट करता है, एंड बहुत ही आला तरीके से यहाँ पे एक 4v4 फाइट को उन्होंने जीता, जहां पे EVOS की टीम ने पहला नॉक निकाला था, एंड EVOS का खुद भी वहां पे मोशी डाउन हो गया था, बट स्टिल पून गॉड एंड केरो का अग्रेशन देख के आई थिंक EVOS समझ गए कि ये हमारे लिए एक गलत डिसीजन था, बट दिस इज आई थिंक स्किल लेवल एट इट्स टॉप टॉप नॉच, एंड आई थिंक कोऑर्डिनेशन एट इट्स बेस्ट, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, आई थिंक दैट्स इट, यही चीज मैं आप लोगों के सामने
प्रस्तुत करना चाहता था। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, अगर मजा आया होगा तो डू ड्रॉप अ लाइक बटन। मैंने सोचा कि क्यों ना इतना ज्यादा इंडियन सेक्टर को हम देख रहे, तो अभी थोड़ा प्रो लीग सीजन 6 चल रहा है थाईलैंड का, तो अभी कुछ भी अगर वहां पे होगा तो मैं जरूर से आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में ये इसके बारे में बताना। एंड ये क्लच जो यहां पे पून गॉड है उनकी टीम ट्रिपल एन निकाला है, कैसा लगा आप लोगों को जरूर से ये भी बताना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।